जय हिंद यूट्यूब। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद है मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लौटा है अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सूचना में। तो आज का टॉपिक है 2020 वर्ल्ड कप में अब तक के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन कौन थे, जानेंगे पूरी जानकारी डिटेल के साथ इस छोटी सी वीडियो में। तो लेट्स गो। इससे पहले दोस्तों, 2022 में होने वाले विश्व कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन हो सकता है, विराट कोहली या डेविड वार्नर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवे दोस्तों। तो शुरू करते आज की सूचना, लेट्स गो। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते आज की टॉपिक, लेट्स गो। 2020 वर्ल्ड कप के अब तक के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन से ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी थे जिन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। तो शुरू करते हैं। हमारी इस लिस्ट के पहले नंबर में आते हैं 2007 विश्व कप, जो कि T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन था दोस्तों। उस टूर्नामेंट में शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने 2007 विश्व कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। हालांकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा 2007 विश्व कप अपने नाम किया था, पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब शाहिद अफरीदी के नाम रहा। हमारे इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे है 2009 विश्व कप, जिसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाजी मारा था तिलक रत्न दिलशान ने। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी तिलक रत्न दिलशान ने 2009 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। हालांकि यह टूर्नामेंट पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब रही थी, पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट तिलक रत्न दिलशान ने जीता था। हमारे इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे है 2010 का विश्व कप। 2010 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज लेजेंड खिलाड़ी में से एक केविन पीटरसन ने अपने नाम किया था। केविन पीटरसन ने 2010 में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मैन ऑफ द टूर्नामेंट अपने नाम किया था। तो हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पे 2012 विश्व कप। 2012 विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब शेन वॉटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना नाम किया था। उन्होंने 2012 में अपने बेहतरीन खेल सभी का खूब मनोरंजन किया था। हमारे इस लिस्ट के पांचवे नंबर पे है 2014 का विश्व कप। 2014 का विश्व कप पूरी तरह से विराट कोहली के नाम रहा था। 2014 का विश्व कप में विराट कोहली ने अपनी दमदार बैटिंग से सभी फैन का खूब मन लुभाया था। और 2014 के विश्व कप में विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनकर ICC टूर्नामेंट का पहला अपना मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। हमारे इस लिस्ट के छठवें नंबर में 2016 का विश्व कप। 2016 का विश्व कप में भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट भारत के बेहतरीन बल्लेबाज और विश्व के ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैनों में से एक विराट कोहली ने ही 2016 का भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। T20 हो, वनडे हो या टेस्ट, विराट कोहली अपने दमदार खेल के लिए जाने जाते हैं। वे तीनों फॉर्मेट में ही फिट बैठते हैं, इसलिए वह एक बेहतरीन और बेमिसाल खिलाड़ी है। हमारे इस लिस्ट के सातवें नंबर में है 2021 का वर्ल्ड कप। 2021 का वर्ल्ड कप वैसे तो ऑस्ट्रेलिया अपने नाम करने में सफल ही थी दोस्तों, पर इसका मैन ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर के नाम रहा था। डेविड वार्नर, जो कि लेफ्ट हैंड के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है, उन्होंने यह टूर्नामेंट में अपनी बेमिसाल बल्लेबाजी से सभी फैंस का खूब मनोरंजन किया था और वह इस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों 2022 में होने वाले वर्ल्ड कप के। वर्ल्ड कप में कुछ ही दिन बचा है दोस्तों, और आपको क्या लगता है दोस्तों 2022 का मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन हो सकता है, विराट कोहली, डेविड वार्नर या जॉस बटलर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवे दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।